लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। भारत में कोरोना वायरस की स्थिति गंभीर, दोबारा लग सकता है लॉकडाउन। पाकिस्तान में उड़ी अफवाह, कराची के पास नजर आए भारतीय फाइटर जेट, मचा हंगामा। चार दिन में पेट्रोल 2.14 रुपए महंगा, डीजल ने भी लगाई लंबी छलांग। सैकड़ों की संख्या में निकली पुलिस भर्ती, 60,500 तक मिलेगा वेतन, ऐसे करे आवेदन। चीन नहीं, इन देशों से भारत में आया कोरोना का संक्रमण, नई स्टडी में दावा। दिल्ली राजस्थान में बड़ा तापमान, आज इन 10 राज्यों में हो सकती है बारिश। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी, देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 2,76,583 के पार पहुंच चुका है और 7,745 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1,35,206 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 4,04,396 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 70,39,918 कन्फर्म केस आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो ये आंकड़ा और बढ़ गया हो। नोमुरा रिसर्च फर्म ने अपने अध्ययन में कहा है कि भारत उन 15 देशों में से है जहां लॉकडाउन में दी जा रही ढील के चलते कोविड-19 का संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है और इसे दोबारा लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। कोरोना संक्रमण की मार झेल रहे पाकिस्तान में मंगलवार देर शाम सोशल मीडिया पर अफवाह फैल गई कि भारतीय वायुसेना के जेट फाइटर्स कराची और भावलपुर के करीब उड़ान भरते नजर आए हैं। इसके बाद पाकिस्तान में ट्विटर पर ये ट्रेंड करने लगा और लोग दावा करने लगे कि भारत के हमले के डर से कराची शहर में फिलहाल ब्लैकआउट तक कर दिया गया है। लद्दाख में भारत चीन के बीच चल रही सीमा तनाव के बीच चीन के एक सैन्य एक्सपर्ट ने भारतीय सेना की जमकर तारीफ की है। चीनी के सैन्य विशेषज्ञ ने कहा है कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा अनुभवी पहाड़ी सेना है। मुंबई में कोरोना को लेकर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार बढ़ते केस के चलते दिल्ली की तरह मुंबई में भी बेड चर्चा के केंद्र में आ गया है। बीएमसी कमिश्नर आईएस चहल ने आज तक को बताया कि फिलहाल मुंबई में 7600 बेड पर कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज हैं। अब हमारे पोर्टल पर 10,400 बेड मौजूद हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला बुधवार को चौथे दिन जारी रहा। इस वजह से देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव 73.40 रुपए प्रति लीटर पर आ गया है। वहीं डीजल 71.62 रुपए प्रति लीटर बिकने लगा। लगातार चार दिनों में दिल्ली में पेट्रोल 2.14 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया तो डीजल की कीमत में 2.23 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हो गई है। पुलिस में नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। असम पुलिस ने फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर सैकड़ों की संख्या में भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस वैकेंसी के तहत चयनित उम्मीदवार 60,500 रुपए प्रति माह तक की सैलरी के हकदार होंगे। भारत में कोरोना वायरस चीन से नहीं आया, भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण दूसरे देशों से आया है। दावा किया गया है कि यह वायरस भारत में चीन से नहीं बल्कि यूरोप या मिडिल ईस्ट, ओशनिया और दक्षिण एशिया के देशों से फैला है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इन देशों में भारतीय ज्यादातर रोजगार के सिलसिले में काम करते हैं या रहते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर चीन से जारी गतिरोध को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं। सरकार के जवाब के बावजूद उनके सुर नरम नहीं पड़े हैं। वे सरकार से स्थिति को स्पष्ट करने और यह बताने को कह रहे हैं कि चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुए हैं या नहीं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार को एक दिन में 100 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि पूरे प्रदेश में एक दिन में कुल 369 कोरोना केस मिले हैं। इसमें जयपुर के बाद जोधपुर में 65 और भरतपुर में 51 संक्रमित मिले हैं। इसी तरह पाली में भी 39 नए कोरोना रोगी सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 11,245 पहुँच गयी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। शोपिया में सुगो हेदामा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है, तो वहीं 4 आतंकियों को मार गिराया है। इस हफ्ते शोपिया में एनकाउंटर की तीसरी घटना है। इससे पहले रविवार को 5 और सोमवार को 4 आतंकियों को मार गिराया था।
दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अनुमान के मुताबिक मंगलवार को तापमान में वृद्धि देखी गई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान बुलेटिन में कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा दिल्ली के कुछ हिस्सों में बुधवार और गुरुवार को हल्की बारिश की बूंदें पड़ सकती हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बुधवार को फिर से सील कर दी। पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ML लाठर ने इस बारे में आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने अंतर्राज्यीय आवागमन को नियंत्रण करने का फैसला किया है। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के सबसे अधिक 500 से ज्यादा मामले सामने आए। संक्रमितों के कुल 113,702 मामलों में से 2,255 हो गई और बीते 24 घंटों में 5,387 नए मरीज सामने आए। 974 और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 444 मामले सामने आए हैं। दुनिया भर के लोग कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना से 73,18,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 36 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में कोरोना से 1,14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 20,45,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबर हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर करें। साथ ही आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।